हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल सैम कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने लूप्स की थ्योरी कवर की थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस वीडियो में हम उसी थ्योरी के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, कुछ कोडिंग करने वाले हैं, कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रोग्राम बताऊंगा, उसी लूप पे आधारित वो प्रोग्राम होंगे और यहाँ पे इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वाइल लूप के बारे में। तो इस वीडियो में वाइल लूप आपका कवर हो जाएगा, अगली वीडियो में डू वाइल लूप और उसके अगली वीडियो में फॉर लूप आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंटेक्स जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था देख लेते हैं इस बार भी। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स की अगर बात करें तो वाइल हम जैसे के वैसे लिख देते हैं, फिर उसकी कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी कोड हो या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है उसे, वो लिख देते हैं। इस प्रकार ये एक सिंपल सा वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो वाइल लूप में हम प्रोग्राम करेंगे, वाइल लूप के कुछ प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल का एक प्रोग्राम बनाएंगे, बाद में एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसे दो प्रोग्राम हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो किसी भी नंबर का टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले दो फाइल्स इंक्लूड करेंगे, stdio.h और conio.h नाम के मैंने दो फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। उसके बाद हम void main फंक्शन से प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं तीन इंटेजर लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम क्लियर स्क्रीन नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं। i=1 लिया, n और t ये तीन इंटेजर मैंने इनपुट करा दिए हैं। उसके बाद प्रिंटफ में जो भी हम लिखेंगे वह आउटपुट स्क्रीन पर जैसे के वैसे विजिबल होगा यूज़र को। एंटर एनी नंबर, जो नंबर का हमें टेबल बनाना है वही नंबर को इनपुट करना है। उसके बाद हम स्कैनएफ के मदद से वो नंबर n में स्टोर करा देंगे। तो हमने वो नंबर n में स्टोर करा दिए। अभी वाइल लूप का यूज़ करके हम i < 10 हमारा टेबल 10 तक चलना चाहिए, 10 टाइम्स चलना चाहिए, इसलिए हमने i > 10 लिया। इसके बाद हम i * n कराएंगे, t वेरिएबल में स्टोर कराएंगे और उसी को प्रिंट करा देंगे। प्रिंटफ में क्या आएगा, \n हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं और %d, t आ जाएगा। %d ये इंटीजर के लिए यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम इंक्रीमेंट कराएंगे i++ से। इसके बाद हमारा वाइल लूप क्लोज हो जाएगा और गेज के मदद से स्क्रीन होल्ड करने के लिए हम गेज का यूज़ करेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे 5 टाइप करता हूँ वैसे ही 5 का टेबल आ जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा तो 2 का टेबल आ जाएगा। वाइल लूप के मदद से हमने टेबल का प्रोग्राम कंप्लीट किया। अभी हम वाइल लूप के मदद से ही फैक्टोरियल का प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले stdio.h और conio.h नाम के मैं दो फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। उसके बाद मैं void main से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ और यहाँ पे मैं इंटेजर ये डेटा टाइप लूँगा। यहाँ पे मैं 3 इंटेजर लूँगा, n, i और f, ये 3 मैंने वेरिएबल ले लिए। इसके बाद i और f को मैं 1 से असाइन कर दूँगा और इसके बाद हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clrscr फंक्शन का यूज़ करते हैं।
बाद में मैं प्रिंटअप के मदद से यूज़र को इनपुट दूंगा कि कोई भी नंबर फैक्टोरियल के लिए हमें दो, एंटर एनी नंबर। इसके बाद हम नंबर स्टोर कराने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज़ कराएंगे, जिसमें परसेंट डी कॉमा एन में वो नंबर स्टोर कराएंगे। एन वेरिएबल में हमने वो नंबर स्टोर करा दिया है जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप की कंडीशन सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एन। बाद में हम लूप में एंटर करेंगे, जिसका मैं लॉजिक आपको लास्ट में समझाऊंगा। यफ इक्वल्स टू यफ इंटू आई करेंगे, इसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस और वाइल लूप को क्लोज कर देंगे। ये सब हो जाने के बाद हम यफ वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं फैक्टोरियल इज, ये देखो यहाँ पे फैक्टोरियल की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक कर लेते, फैक्टोरियल इज परसेंट डी कॉमा यफ आ जाएगा। और गेज के मदद से हम स्क्रीन को होल्ड करते हैं, या प्रोग्राम हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा और हम आउटपुट स्क्रीन पर आ गए। एंटर एनी नंबर बोल रहा है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 120 फैक्टोरियल आ गया है। और उसके बाद 3 का फैक्टोरियल निकालना है, 6 ये 3 का फैक्टोरियल भी दे दिया है। प्रोग्राम के पीछे का लॉजिक समझने से पहले हम ये समझ लेते कि फैक्टोरियल किस प्रकार निकाला जाता है। हमें अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, तो मैं आपको बता दूँ। अगर मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6। ठीक है, अगर उसी तरह मेरे को 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 के फैक्टोरियल के लिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, जिसका फैक्टोरियल आ जाएगा 24। इस तरह हम फैक्टोरियल निकालते हैं। इसके बाद अभी हम उसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। हमने एक लूप चलाया था, वाइल लूप चलाया था, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू एन था। एन ये एक यूज़र ने इनपुट किया हुआ नंबर था। ठीक है, यफ यफ का मतलब फैक्टोरियल, यफ इंटू आई, आई की वैल्यू हमने 1 ली थी। ठीक है, आई प्लस प्लस किया था और हमने यफ को प्रिंट कराया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट डी कॉमा एम परसेंट आई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यन तो एक यूज़र ने किया हुआ इनपुट है। यहाँ पे यूज़र ने अगर सपोज़ 2 इनपुट किया है, आई की वैल्यू हमने 1 पहले से ही दी हुई है। जैसे ही हम ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2, वैसे ही हम लूप के अंदर एंटर कर देते। फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, यफ की वैल्यू भी 1 थी, आई और यफ की वैल्यू हमने 1 पहले इनपुट करा दी थी। 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस यानी 1 से इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। फिर 1 इंटू 2 हो जाएगी और यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी फिलहाल के लिए आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन अनसेटिस्फाई हो गई तो हम लूप के बाहर निकल जाएंगे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अभी हम किसका फैक्टोरियल निकाल रहे थे, 2 का फैक्टोरियल निकाल रहे थे। तो 2 का फैक्टोरियल कैसे आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह इसका लॉजिक हुआ। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी
तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। भाई ने बोला करने का तो करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।